are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। यूएस गवर्नमेंट ने सीज बिटकॉइन 2.1 बिलियन डॉलर्स वर्थ कॉइनबेस को मूव किया। नावी ने सुई ब्लॉकचेन पर डेवलपमेंट सपोर्ट करने के लिए नावी एक्स इकोसिस्टम फंड लॉन्च किया। होकुकू बैंक ने जापान का पहला डिपॉजिट बैक स्टेबल कॉइन टोचिका लॉन्च किया। io.net एलोरा ने AI डेवलपमेंट को सेफर बनाने के लिए टीम अप किया। AI इंटीग्रेशन और ब्लॉकचेन से वेब 3 अडॉप्शन को प्रोपेल किया जाएगा। सेलेस्टिया ने आर्बिट्रम ऑर्बिट चेन्स के लिए इनहांस ब्लॉक स्ट्रीम अनवील किया। पेंसिल्वानिया ग्रीन अमेंडमेंट क्रिप्टो माइनिंग पॉल्यूशन केस में ड्रैग किया गया। पैराडिगम क्रिप्टो विंटर के बाद से बिगेस्ट फंड रेज के लिए 850 मिलियन डॉलर्स रेज करने की बात करेगा। वैनिक हेयर 12 मिलियन डॉलर्स वीसी बैकिंग के साथ न्यू यूएसडी स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा। बिटवीएम बेस्ड बिटलेयर एक लीडिंग बिटकॉइन L2 5 मिलियन डॉलर्स फंडिंग नेटस्कर के रेडी प्लेयर वन प्रोग्राम 50 मिलियन डॉलर्स इन व्हील्स करता है। आर्कन एनर्जी ने बिटमेन के साथ 27,700 बिटकॉइन माइनिंग रिग्स के लिए डील किया। स्टेबल कॉइन इश्यूअर टेथर ने SOC2 टाइप 1 ऑडिट कंप्लीट किया। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने सिल्क रोड के सीज्ड किए गए 30,175 डॉलर्स बिटकॉइंस जो 2.1 बिलियन डॉलर्स के वर्थ है जो क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज कॉइनबेस में ट्रांसफर किया है। ये ट्रांसफर उस समय है जब बिटकॉइन के प्राइस में सब्सटेंशियल डिक्रीज देखा गया है। वीकली लो 64,500 डॉलर्स पर करेंटली ये क्रिप्टो करेंसी 66,300 डॉलर्स पर ट्रेड कर रही है। नवी प्रोटोकॉल ने नवएक्स इकोसिस्टम फंड का नावी प्रोटोकॉल ने नावी एक्स इकोसिस्टम फंड का लॉन्च अनाउंस किया है। एक मैसिव कम्युनिटी सेंट्रिक इनिशिएटिव टीम 10 मिलियन NAVX टोकन्स कमिट कर रही है जो सुई ब्लॉकचेन डिफाई और मूव पीस इकोसिस्टम के ग्रोथ और इनोवेशंस को फोस्टर करने के लिए। इशिकावा प्रीफेक्चर्स के रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होकुकू बैंक ने टोचिका लॉन्च किया है। जापान का पहला डिपॉजिट बैक स्टेबल कॉइन। बैंक के कस्टमर्स टोचिसुका एक ऐप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द्वारा डेवलप की गई थी और प्रीवियसली यूजर्स को सिटी सर्विसेज से पॉइंट्स अर्न करने की अनुमति देती थी का यूज करके क्रिप्टो करेंसी को परचेस कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइज डीपीयू नेटवर्क io.net ने एलोरा के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस शुरू करने की अनाउंसमेंट की। एक सेल्फ इम्प्रूविंग डिसेंट्रलाइज AI नेटवर्क एलोरा का डिसेंट्रलाइज AI नेटवर्क का लेवरेज करके io.net अपने AI ML डेवलपमेंट प्रोसेस की कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी और मॉडल एक्यूरेसी को एनहांस करता है। ग्लोबल वेब 3 स्पेस राइज पर है और इसका यूजेज भी ग्रोइंग यूज का बीच फोर्ब्स हाइलाइट्स की और AI और ब्लॉकचेन लाइकली सपोर्टिव होंगे वेब 3 ग्रोथ में और श्योर करेंगे कि फंक्शंस यूजर डिमांड से मैच करें। सेलेस्टिया ने ब्लॉकस्ट्रीम का लॉन्च अनाउंस किया। एक डेटा अवेलेबिलिटी सॉल्यूशंस को स्पेसिफिकली आर्बिट्रम इकोसिस्टम के लिए टेलर्ड है। टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को कैपेबिलिटी देगी ऑर्बिट चेन्स क्रिएट करने की जो एसेंशियली कस्टमाइजेबल चेन्स है जहां सेलेस्टिया डेटा अवेलेबिलिटी के लिए एक एम्पलीफायर का काम करना चाहते हैं। पेंसिल्वानिया में इन्वायरमेंटलिस्ट्स ने पर्पिटेटेड पॉल्यूशन से रिलेटेड क्रिप्टो माइनिंग से खिलाफ सुई किया है स्टेट का ग्रीन अमेंडमेंट यूज करते हुए। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग लॉ ने हैज brought the long-standing constitutional wordings into a new reads. Venture capital firm Paradigm, जो Coinbase Global Inc. dot के co-founders Fred Erzam और ex-Sequoia Capital partner Matt Huang ने founded की है, claimed है कि वो potential investors के साथ between $750 million to $850 million raise करने के लिए conversations में हैं।